कुछ नहीं, बस बैठा हुआ था। छठ पूजा पार हुए इतना दिन हो गया, उस पर कहानी नहीं सुनाएगा क्या? कहानी? वैसे ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ ऐसे पल हैं जिनका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। वैसे ये जो त्योहार है, इसको हमारे झारखंड बिहार में महापर्व कहा जाता है। दुर्गा पूजा और दिवाली खत्म होने के बाद बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक वह ये त्योहार का इंतजार करते हैं। आखिर कुछ तो ऐसा है इन चार दिनों में जो लोगों को साल भर के गमों को भुला देता है। तो आओ तुम्हें इस चार दिनों की वाइब एक छोटी सी वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो आज वीडियो की शुरुआत थोड़ी मीठी करते हैं, यानी हम स्टार्ट करते हैं सीधे खरना वाले दिन से। तुम लोगों को दिखाता हूँ इस दिन क्या क्या हमारे घर में होता है। आज हम लोग करने वाले खरना का लोग, तो क्यों लोग अलग ही लगा हुआ है, चलो खरना के शाम को तुम लोग को मिलते हैं। तो अभी फिलहाल तो मार्केट आए हुए, तो जब तक हम मार्केट से घर जा रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, मार्केट से घर जा रहे हैं, तब तक के लिए तुम लोग एक कहानी सुनो, ठीक है। आज से कुछ महीने पहले मेरे एक दोस्त ने बोला था, तुम इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो, एक चार दिन का छोटा सा फेस्टिवल ही तो है। तो मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। तो जो पहला वाला अर्घ होता है, जिसे हम शाम वाला अर्घ भी कहते हैं, उस दिन हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। घर में ज़्यादा काम होने के कारण हम उतना कैमरा से बातें तो नहीं कर पाए, पर इतना फुटेज हमने ज़रूर कैप्चर कर लिया कि हम आपको वहाँ की वाइब दें। बन पर देसी आज गई ला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गांव के घर तू। तो खैर ये तो कुछ यादें हमारे घर से थी, पर हम आपके लिए छठ घाट भी गए थे, तो वहाँ क्लिप्स बिना देखे जाइएगा मत। आइए आपको दिखाते हैं वहाँ का नजारा। निहारे जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। जितना खुशी से हम लोग शाम वाला अर्घ मनाते, अफसोस की बात है उतना खुशी से ये वाला अर्घ वो नहीं मना पाते, क्योंकि इसे हमारे छठ में बहुत दुखी वाला दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन छठ का आखिरी दिन होता है। तो नहा के भी रेडी हो गए पूरा, अब अर्घ देने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया, लाइक 15-20 मिनट बाकी होगा और देने में। ये वीडियो बनाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिंदगी में ये छोटी छोटी खुशियाँ कितनी जरूरी है। इस भागदौड़ की दुनिया में लोग खुद से कितने दूर होते जा रहा है। जानता हूँ कुछ ज़्यादा मैच्योर वाले बातें कर ली, पर ये सच है। मगर ये छोटे छोटे त्यौहार ही हमें बचपन दोबारा जीने का मौका देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं अपना नज़रिया तुम लोग को दिखा सकूँ। तो चलो आज का व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। होपफुली तुम लोग को ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो। तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।